हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। अभी तक जो भी हमने वीडियो बनाई है आप लोगों ने देखी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज अलोंग अ पाथ ऑफ एनिमेशन। यानी कि जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में या स्क्रीन में आपकी क्या क्या होता है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है या आपका गेम में कोई प्लेयर है तो आप उसको मूव कराते हो एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफॉर्म कराते हो, या फिर जैसे एक बॉल वाला कोई गेम है वो जंप करती है बॉल, या फिर बॉल कभी बड़ी हो जाती है साइज में, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसकी शेप चेंज करना, उसकी कोऑर्डिनेट चेंज करना, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, और सपोज एक पॉइंट पी है ऑब्जेक्ट का, कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। अब सपोज हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी को ट्रांसलेट करना है ओरिजिन पे, यानी हमें हम चाहते हैं ओरिजिन और ये पी पॉइंट कोइंसाइड करें। तो उसके दो तरीके, या तो हम इस पी पॉइंट को उठाकर ओरिजिन पे ले आए, या फिर दूसरा तरीका है कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन को ही इसके पास शिफ्ट कर दें। तो अगर हम इस P पॉइंट को उठाकर यहां लेके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस लेक्चर में ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल में, और एक ही लेक्चर में आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ट्रांसलेट करना मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्स एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट पे जाना, सिंपल ट्रांसलेट करा हमने। तो अगर इसको हम प्रॉपरली देखें तो सपोज हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा पी, और ये पॉइंट है P डैश। हम चाहते हैं P पॉइंट ट्रांसलेट होके P डैश पे पहुंच जाए। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और P डैश के हैं x2 कॉमा y2। अब हमें कुछ रिलेशन फाइंड करना है x2 और x1 में, जिससे कि हम x2 निकाल पाए थ्रू x1। तो मान के चलिए कि हमने x डायरेक्शन में इसको tx मूव किया और y डायरेक्शन में ty मूव। ये हमारे ट्रांसलेशनल पैरामीटर्स x और y। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि x2 is equal to x1 plus tx। अब tx पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव है तो उसका मतलब पीछे गए, पॉजिटिव हम आगे गए। ऐसे हम कहेंगे y2 is equal to y1 plus ty, सिंपल है ना, हमने बस y को चेंज करा है। अगर इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी हमारी, इधर आएगा x2 y2, इधर अभी हम छोड़ रहे हैं प्लस कुछ, इसी को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x1 y1 प्लस tx t1, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई। तो अगर इसको मैट्रिक्स में गई तो p डैश मैट्रिक्स इज इक्वल टू p मैट्रिक्स प्लस ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, इसको कहेंगे ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स और हम इसको कहेंगे ट्रांसलेशनल पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, और ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन जो भी हमने पढ़ा वो प्लस के फॉर्म, अभी हम आगे भी अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो अभी हमें मिला ये प्लस के फॉर्म, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है, फिर से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा ना। तो अब किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट भी हम पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिन के अबाउट हमें रोटेट करना। सपोज एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1, ठीक है, और इसका स्लोप है थीटा, थीटा एंगल से ही ऑलरेडी प्लेस्ड है। अब हम चाहते हैं कि हमें एक दूसरा पॉइंट मिल जाए P डैश, जिसको हमने रोटेट किया फाई से, जब हमने P पॉइंट को रोटेट किया फाई एंगल से तब हमें P डैश मिला जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। अब हम फाइंड करना चाहते हैं x2 इन टर्म्स ऑफ x1 एंड दिस एंगल फाई, क्योंकि हमें फाई पता होगा कि हमने इतने एंगल से रोटेट कर दिया, हमें थीटा तो नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे किया जाए।
सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वन इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, जैसे इसका अगर सपोज इसकी लेंथ आर है, तो जब हम किसी पॉइंट को रोटेट करते हैं तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ये तो आर ही रहेगा। ऐसे इमेजिन करिए कि एक सर्कल में घूम रहा है, तो जब सर्कल घूमता है एक सेंटर के अबाउट, तो रेडियस तो चेंज नहीं होता है, तो ये आर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक्स वन को कह सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई वन को कह सकते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब हम एक्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स टू को लिखने के लिए एक्स टू को हम क्या कहेंगे कि एक्स टू के लिए पूरा एंगल लेंगे ना थीटा प्लस फाइव, तो एक्स टू को लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस फाइव, ये हमारा एक्स टू हो गया। ऐसे हमारा वाई टू, वाई टू क्या आएगा आर साइन थीटा प्लस फाइव, बट हमें थीटा तो नहीं पता, थीटा को हटाना पड़ेगा, तो कॉस की आइडेंटिटी से खोलते हैं इस चीज को, यहां लिखते हैं एक्स टू इज इक्वल टू आर कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आर कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। तो ये देखिए आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्या है एक्स वन, एक्स वन कॉस फाइव, अच्छा आर साइन थीटा, आर थीटा आर साइन थीटा क्या है वाई वन, तो माइनस वाई वन साइन। तो देखो x2 हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड एंगल फाइव, ऐसे अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको यहां एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या बनेगा y2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। तो देखिए cos थीटा, r cos थीटा क्या था हमारा x1 और r sin थीटा क्या था हमारा y1, अभी हमने निकाला था, तो इसको अगर हम लिखें रीअरेंज करके तो r cos थीटा बन गया हमारा x1 sin 5 प्लस r sin थीटा बन गया y1 cos 5। तो देखो y2 भी हमारा आ गया x1 y1 और y एंगल के टर्म्स। अब इसी चीज को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाला किया था, तो वो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं इधर आ गया x2 और y2, इधर कोई मैट्रिक्स आएगी अब इसको छोड़ते हैं, और यहां पे आएगा x1 y1 जिनके टर्म्स में हमने निकाला है, है ना। तो देखो x2 निकालने के लिए x1 को मल्टीप्लाई किया cos phi से और y1 को किया माइनस sin phi से। देखो x2 इज इक्वल टू x1 cos phi माइनस y1 sin, ऐसी अब हमें y2 निकालना है, तो y2 हो गया x1 sin phi मल्टीप्लाइड बाय वाई वन कॉस। तो अगर इसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें पी डैश इज इक्वल टू रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय पी मैट्रिक्स, तो हमारी ट्रांसलेशन आई थी प्लस के फॉर्म में, रोटेशन आई है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फाइ को हमने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, सो एंगल फाइ इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइव इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज। तो ये थी सारी रोटेशन की कहानी। हाँ तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करना है छोटा करना है, जैसे आप अपने मोबाइल में किसी चीज को जूम इन करते हो जूम आउट करते हो, तो क्या है वो स्केलिंग है। तो अगर इसको नॉर्मली समझे तो अज्यूम कीजिए एक स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर का एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया P x कॉमा y, x1 कॉमा y, ठीक है, और हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्केलिंग करेंगे। अभी जितना हम पढ़ रहे थे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक अलग आर्बिट्री पॉइंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब हम किसी चीज को बड़ा करते हैं छोटा करते हैं तो हम उसके हर एक कोऑर्डिनेट को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास x2 कोऑर्डिनेट आएगा, x2 कोऑर्डिनेट वो कुछ x1 मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन की स्केलिंग फैक्टर इन x एक्सिस कितना, ऐसे जो y2 आएगा वो आएगा y1 मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर अलोंग y एक्सिस की y एक्सिस में हमने कितना स्केल किया। तो इसको अच्छा एक एग्जांपल समझते, जैसे एक स्क्वायर है, मान लीजिए स्केलिंग फैक्टर हमारा x और y डायरेक्शन का ग्रेटर देन 1 था, मतलब किसी चीज को बड़ा करना चाहते तो तभी ग्रेटर देन 1 होगा। तो सपोज ये x और y थे और इसको मैं sx और sy को 2 मान लो,
मतलब अब मेरे को 2x और 2y मिलेगा, तो 2x1 का मतलब है यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अगर x1 ये था तो सपोज 2x1 ये पॉइंट होगा, और y1 का मतलब है 2y1 कहीं यहाँ होगा, तो जो मुझे नया पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा p डैश, है ना। यानी बड़ा तो हुआ, जैसे p शिफ्ट हुआ ऐसे स्क्वायर का हर एक पॉइंट शिफ्ट हो, तो बड़ा तो हुआ बट ओरिजिन से दूर भी मूव हुआ साथ, है ना। तो स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन वन था तो बड़ा हुआ और ओरिजिन से दूर मूव हुआ। अब सपोज स्केलिंग फैक्टर लेस देन वन हुआ, तो लेस देन वन के केस में क्या होगा, मान लो x बाई टू कर दिया और y बाई टू कर दिया, मतलब एस एक्स और एस वाई हाफ है, तो x बाई टू मिलेगा मुझे कहीं यहां इस पॉइंट पे और y बाई टू मिलेगा कहीं यहां, यानी मेरा p डैश जो पॉइंट होगा स्केलिंग के बाद वही होगा। ऐसे मेरे सारे पॉइंट्स छोटे रहेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब स्केलिंग फैक्टर लेस देन वन था तो मेरा पॉइंट टूवर्ड्स ओरिजिन गया एंड कम हो गया साइज में, छोटा हो गया। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं कि इफ स्केल फैक्टर ग्रेटर देन वन, दिस इंप्लाइज ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड एंड मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एंड मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन कह लो या पिविट कह लो, कि जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना पिविट। ऐसी इफ स्केल फैक्टर इज लेस देन वन, दिस इंप्लाइज ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड, छोटी रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट, साथ साथ क्या होगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा, एंड मूव टुवर्ड्स पिविट, पिविट के पास मूव। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अच्छा, हमें x2 y2 भी पता है, तो मैट्रिक्स भी दो मिनट में बनाते हैं। क्या यूज कर, इधर आ गया हमारा x2 y2, इधर आएगा हमारा स्केलिंग फैक्टर, इसको भी छोड़ते हैं, यहाँ आएगा x1 y1। तो x2 निकालने में y1 का कोई रोल नहीं है, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ इस तरह होगा, एस एक्स जीरो जीरो एस वाई मल्टीप्लाई करके आप चेक कर दीजिए, और यहाँ पे हमारा वैसे लिख देते पी डैश इज इक्वल टू स्केलिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय पी। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन पढ़े, दो और बचे हैं अभी, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक चीज नोटिस आप कीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन एक अकेला मैट्रिक्स था जिसमें हमें प्लस होके मिल रहा था, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हुआ, इससे पहले हमने रोटेशन पढ़ा उसमें भी मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। अब आपने अलग अलग जगह देखा होगा गेम्स में या मूवीज में, सब कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो क्या होता है एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर, जैसे एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर, तो हो सकता है वो आगे भी बढ़ रहा है और बड़ा भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मुझे दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा, पहले एड मतलब पहले ट्रांसलेट करना होगा जिसमें एडिशन हो रहा है, और फिर मल्टीप्लीकेशन करना होगा जिसमें स्केलिंग हो रहा है। तो कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं, कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की एक से ज्यादा हम एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई एडिशन हो रहा है फिर कोई मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये फीजिबल चीज नहीं है। बट सपोज हमारे सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होते तो कितना आसान होता है। देखो ऐसे मुझे फाइनली जो है फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स एफ एंड वाई एफ। ठीक है, अगर कुछ इस फॉर्म में होता कि मेरे को पहले ट्रांसलेट करना है, अच्छा मेरा ओरिजिनल है एक्स वन और वाई वन, ये ओरिजिनल है। अब मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेट मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया। सपोज मेरा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता तो मैं बात करता हूँ, तो मैं क्या करता, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता, मुझे इसके कुछ x2 y2 मिलते, फिर मैं उसको मैट्रिक्स में लिखता, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके सपोज मुझे मिला x2 y2, इसको मैं मल्टीप्लाई करता स्केलिंग मैट्रिक्स से, तो क्या मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट ही स्केलिंग लिख सकता था, क्योंकि इसके रिजल्टेंट को तो मैं स्केलिंग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं सबको एक साथ लिख सकता था अगर मेरी सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। और अगर मैं ये चीज लिख पाता तो उससे होता क्या, मैं पहले सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता और फिर लास्ट में इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करता जिससे मुझे डायरेक्टली फाइनल कोऑर्डिनेट्स मिल पाते। बट जो कि मेरे ट्रांसलेशन एडिशन के फॉर्म में, मुझे इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो देखिए अब हम देख रहे हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। तो अब हम ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स को कुछ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने किया क्या ना, सिंपली एक
वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का डब्ल्यू लिया है और हमने डब्ल्यू कहा उसकी वैल्यू वन, कुछ नहीं किया बस एक थोड़ा सा होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर, तो हमने एक वन लिया। पहले आपने देखा हो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में बस एक्स टू वाई टू होते थे, अब एक वन इंट्रोड्यूस हो, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बस वो मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करेगा। देखो ऐसे यहाँ पे भी एक्स वन वाई वन और वन रहेगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, आपको जैसा था कि आपको ऐसा था एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टी एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस टी वन, तो अभी भी प्लस के फॉर्म में रहेगा बट हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिक्स को। देखो होगा क्या, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टी एक्स, देखो एक्स वन जीरो प्लस टी एक्स मिल गया हमें एक्स टू, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस टी वाई, तो जीरो इंटू एक्स वन खत्म, वाई वन प्लस टी वाई, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और अब हम वन इक्वल टू वन बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जीरो जीरो वन, तो अब हमें ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में मिल गई। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू टी इंटू पी एंड दिस इज नोन एज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। और इसी तरीके से अब हम रोटेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, रोटेशन में ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल देखो रोटेशन मैट्रिक्स जो थी हमारी 2D वाली आपको याद होगी, बट डायरेक्ट 3D वाली लिखता हूं, तो एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू, इसको अभी खाली छोड़ेंगे, पहले यहां देखते हैं एक्स वन वाई वन वन, ठीक है। तो अब रोटेशन में कहा था कॉस फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई, ये था ना, कुछ नहीं करना बस जीरो ऐड करना, कॉस फाई माइनस साइन फाई एंड जीरो, क्योंकि वन का कोई रोल ही नहीं है, एक्स टू निकालते हैं ऐसी इधर आ गया साइन फाइव कॉस फाइव अगेन जीरो, कोई रोल ही नहीं है, और लास्ट में वन वन को इक्वल करने के लिए जीरो जीरो, तो आप देखिए हमने कोई ज्यादा चेंज नहीं, बिल्कुल वही मैट्रिक्स। दिस इज फॉर रोटेशन, ये अभी हमने पढ़ा ट्रांसलेशन, और अभी हमने स्केलिंग भी पढ़ा था ना, तो स्केलिंग भी देख लेते थे। स्केलिंग, स्केलिंग क्या था, सिंपल हमारे फैक्टर थे एस एक्स और एस वाई, तो बस कुछ नहीं करना है, जो अभी तक ऊपर रोटेशन का किया सेम स्केलिंग का कर दो, एक्स वन वाई वन वन। अच्छा आप ये देख लो, मैं आपको मैट्रिक्स याद नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको एक कंसेप्ट याद करा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन में हमने क्या किया, रोटेशन में क्या किया और स्केलिंग में क्या किया। मैट्रिक्स आप खुद बनाना, याद मत करो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको याद कर लेते, वो मत करना। तो एक्स टू क्या था हमारा, एक्स टू इज इक्वल टू एस एक्स इंटू एक्स वन था, तो एस एक्स अभी भी यहाँ लिखो, बाकी में जीरो जीरो कोई रोल ही नहीं है। ऐसे हमारा वाई टू क्या था, एस वाई इंटू वाई वन, तो जीरो एस वाई जीरो, और अब वन बना लो जीरो जीरो। तो अब आप देखो सारी मैट्रिसेस हमारी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में, तो अब हमारा कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके गिवन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। घबराइएगा मत, हम इस पर भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ, तो अब हम अपना फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के काफी सब पार्ट्स हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। अब रिफ्लेक्शन मतलब परछाई लेना, जैसे मिरर में हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते, तो सिंपली रूल क्या होते हैं मिरर के, कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा मिरर से, तो वही कंसेप्ट हम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं हमारा ओरिजिन, जो हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, और ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y, ठीक है। अब हम सपोज ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस, सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, कि हमने x एक्सिस को मिरर माना और इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन ली, तो जब हम x एक्सिस को मिरर मानेंगे और रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट हमें कुछ यहां मिलेगा P डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए x2 y2, तो क्या मानते हैं कि x1 और x2 सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, पर y1 y2 में नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, मतलब y1 इक्वल टू माइनस y2, y1 पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। तो अगर मैं पहला केस पढ़ूं कि अबाउट x एक्सिस, तो अबाउट x एक्सिस में मैं लिख सकता हूं x2 is equal to x1 and y2 is equal to minus y1, ठीक है। अब इसका सिंपली मैट्रिक्स भी बन जाएगा, डायरेक्ट मैं 3D बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब होमोजीनियस वाला बना रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 वाला नहीं बना रहा, x2 y2 1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इसको भी खाली छोड़ते हैं, आप खुद बनाइएगा,
एक्स वन वाई वन वन, तो देखो एक्स टू इक्वल टू एक्स वन है, यानी मुझे एक्स वन को सिंपली वन से मल्टीप्लाई करना और बाकी का कोई रोल नहीं है तो जीरो जीरो आ गया। अब वाई टू निकालने में वाई वन से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर माइनस साइन, तो और एक्स वन का कोई रोल नहीं तो जीरो आ गया, इधर माइनस वन आ गया, इधर जीरो आ गया, और वन इक्वल टू वन करने में तो सिंपली जीरो जीरो आ गया। हमारी मैट्रिक्स मिल गई होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में, हमने डायरेक्ट निकाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब सेकेंड केस देख, सेकेंड केस है हमारा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस में क्या होगा, अब हमने y एक्सिस को मिरर मान लिया, तो अगर y एक्सिस को मिरर मान लिया तो हमारा पॉइंट में यहाँ आएगा ना p', मान लो इसकी कोऑर्डिनेट्स x2 y2, अब इसका कोई रोल नहीं, कर लिया हमने, ठीक है। तो इसमें आप देखो y कोऑर्डिनेट सेम रहा, y में कोई चेंज नहीं आया, और x2 ऑपोजिट हो गया, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, अगर ये पॉइंट यहाँ होता नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो गया, इतना अंतर हुआ। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ x2 is equal to minus x1 and y2 is equal to y1। इसकी मैट्रिक्स तो आप लोग बहुत फटाफट बना लोगे, आइए साथ में बना लेते हैं, डायरेक्ट होमोजीनियस में बनाएंगे x2 y2 1, इसको अभी हम खाली छोड़ेंगे। देखो मैं मैट्रिक्स याद नहीं करवाऊंगा, आप खुद बनाओ, एग्जाम में भी खुद बनाना, याद करके बनाना। x1 y1 1, अब x2 के साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी माइनस वन, बाकी का कोई रोल नहीं है, जीरो आ गया। y1 का सिंपली वन से, बाकी का कोई रोल नहीं है तो जीरो आ गया, और जीरो जीरो वन, सिंपल हमारे पास मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मिल गया। अब हम अपने थर्ड केस पढ़ते हैं जो कि अबाउट ओरिजिन, रिफ्लेक्शन हमें लेना है अबाउट ओरिजिन। तो अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है कि हमारा मिरर यहाँ पे प्लेस है, तो आप हमेशा देखिए अबाउट ओरिजिन में हमारा पॉइंट ऑपोजिट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, अगर यहाँ था तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ था तो यहाँ, ऐसे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो फोर्थ में मूव करेगा, फोर्थ में होगा तो सेकेंड में मूव करेगा। तो सिंपली हो क्या रहा है हमारा पी डैश एच टू आई टू, तो आप ये देखिए कि x1 सपोज पॉजिटिव है इसमें है या इसमें, तो वो अगर इसमें होता तो यहाँ आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में होता तो सेकंड में आ जाता, मतलब पॉजिटिव x नेगेटिव बन रहा है, और ऐसी पॉजिटिव y नेगेटिव बन, मतलब दोनों केस में हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो x2 is equal to minus x1, y2 is equal to minus y1। अब इसका मैट्रिक्स तो आप दो मिनट में बना ही देंगे, x2 y2 1, चलिए देखते कौन पहले बन, x1 1 1 y, अब देखो सिंपली माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो जीरो जीरो, आप लोगों ने यही बनाया होगा, है ना। चलिए फोर्थ केस, फोर्थ केस है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन, मतलब y इक्वल टू x हमारी कैसे जाती है, ऐसे जाती है कि y इक्वल टू x है, अब ये पॉइंट है p, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहीं आएगी, और हमने पढ़ा था j के टाइम में कि हमारा कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाता है, याद रख लो ना y equal to x लाइन में x1 रखो एक बार तो y equal to x1 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसी y1 रखो इधर तो x equal to y1 आ जाएगा, तो सिंपली हमारा रिवर्स हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ x2 is equal to y1 और y2 is equal to x1, सिंपल, और इसकी मैट्रिक्स भी देखो कैसे कितनी आसान से बनेगी, x2 y2 1, ये मैट्रिक्स अभी खाली छोड़ो, इधर लिखो x1 y1 1। अब देखो x2 को निकालने में सिर्फ y1 का रोल है, यानी x1 0 y1 1 ये 0, y2 को निकालने में सिर्फ x1 का रोल है, तो 1 0 0 और 1 के लिए तो बस 0 0 1, ये मैट्रिक्स क्लियर है यहां तक, ठीक। अगला केस है हमारा अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस x, ये है फिफ्थ और लास्ट केस, अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें सिंपली आप पॉइंट प्लेस कर दीजिए, तो y इक्वल टू माइनस एक्स वन आएगा, सिमिलरली y1 यहां प्लेस करेंगे तो x इक्वल टू माइनस y1 आएगा, सिंपली हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस y1, y2 इज इक्वल टू माइनस x1, इसकी मैट्रिक्स भी बन जाएगी बहुत आराम से, x2 y2 1, ये मैट्रिक्स अभी छोड़ेंगे, x1 y1 1, यहाँ पे देखो x2 को निकालने में सिर्फ y1 का रोल है विद ए नेगेटिव साइन, y2 को निकालने में सिर्फ x1 का रोल है विद ए नेगेटिव साइन, और 1 को निकालने में सिर्फ 1 का रोल, मिल गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स, और ये सब हमने होमोजीनियस मैट्रिक्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में निकाला, इसी के साथ रिफ्लेक्शन खत्म। अब हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि शियरिंग, शियरिंग का मतलब होता है स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स,
लेयर्स की साइड से आप अपनी बुक को अगर हल्का सा ऊपर से स्लाइड करोगे तो आप देखोगे सारे पेज की लेयर बन जाएगी, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी बुक का। तो इसको शेडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है ऐसा एक स्क्वायर और उसको अगर हम एक्स डायरेक्शन में शेडिंग करेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा ऐसा। तो ये होता है शेडिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। और अगर हम वाई डायरेक्शन में शेयर करेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का कुछ शेडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई में एक साथ करेंगे तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट था तो एक्स में भी शेयरिंग होगा और वाई में भी होगा। तो अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, एक्स में भी आगे बढ़ा और वाई में स्लाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं कि क्या होता है हमारा शेयरिंग का। इसमें होता है एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन इंटू एस एच एक्स शेयरिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ऐसी वाई टू हमारा होता है वाई वन प्लस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय शेयरिंग फैक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो अगर सपोज हमारे सिर्फ एक्स में शेयरिंग हो रहा है यानी कि हमारा एस एच वाई जीरो है तो आप देखो वाई टू और वाई वन बराबर आएगा जैसे इस केस में आ रहा था। तो आप देखो हर वाई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है बस एक्स आगे बढ़ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसके हम मैट्रिक्स बना लेते हैं एक्स टू वाई टू वन सीधा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं। देखिए x2 निकालने में x1 का हो रहा मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, y1 का हो रहा है शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन के साथ और इस 1 का कोरिलेट। y2 निकालने में x1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है शेयरिंग फैक्टर इन y डायरेक्शन, y1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 के साथ और बाकी 0, ऐसी 0 0 फिर हमारी मैट्रिक्स मिल गई और शेयर। तो अभी तक हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा है। ये YouTube पे इकलौती वीडियो जिसमें एक वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म है इन ए क्रिस्प मैनर। अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अंडरस्टूड, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।